हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित और कक्षा 10 गणित में आपके एक्सरसाइज 5.3 है, इसमें आपके 3 का क्वेश्चन दे रखा है जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो इसमें तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है, आपको पदों की संख्या ज्ञात कीजिए यानी नंबर ऑफ टर्म आपको फाइंड करना है, जिसमें आपको टोटल 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है आपके समांतर श्रेणी 9, 17, 25, इसके कितने पद लिए जाएं ताकि उनका जो योगफल है वो कितना आए, 636 आए। एक क्वेश्चन तो आपके ये दे रखा है। और दूसरा क्वेश्चन आपके दे रखा है समांतर श्रेणी 63 पद, और सेकंड जो टर्म है वो आपको 60 दे रखा है। तीसरा है 57, इसके कितने पद लिए जाएं यानी एन का मान कितना लिया जाए ताकि उनका जो योगफल है वो 693 आए। तो इसमें पहली जो समांतर श्रेणी दे रही है, इसमें पहली जो समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, पहली है आपकी 9, 17, 25 यानी 9, 17, उसके बाद में 25 दे रखा है। अब देखिए उसके बाद में डैश डैश दे रखा है और आगे लिखा हुआ है कि इसके कितने पद लिए जाएं, यानी ये जो समांतर श्रेणी है इसके हम कितने पद लें ताकि उनका जो योगफल है, योगफल का मतलब क्या है, यहाँ पर SN है, योगफल का यहाँ पर क्या है, SN, SN का मतलब नंबर ऑफ टर्म है उनका योग, उनका सम कितना है, 636 आए, कितना है, 636 आए। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है 9, 17, 25 यानी प्रथम पद, इस एपी का प्रथम पद है वो कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, कितना दे रखा है, 9। उसके बाद में जो कॉमन डिफरेंस है यानी सारू अंतर है वो कितना दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस फाइंड ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो आपको लिखना है A2 माइनस A1। अब देखिए A2 का मान यानी दूसरा पद कितना है, 17 है, उसके बाद में माइनस पहला पद आपके पास कितना है, 9। अब 17 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी 17 में से 9 माइनस किया तो 8 बचा, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब SN आपके पास 636 दे रखा है, तो एक फार्मूला है जो आपको लिखना है यहाँ पर, SN बराबर n बटे 2, उसके बाद में 2a यहाँ पर प्लस, और उसके बाद में ब्रैकेट n-1 into d, ये कोष्टक लिखना है यहाँ पर, और ये फार्मूला आपको अच्छे से तैयार करना है। अब देखिए SN का मान यहाँ पर, ये SN है, ये आप इधर भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले n बटे 2, अब n का मान हमें फाइंड करना है और बटे में आपको 2 लगाना है। उसके बाद में देखिए 2 इंटू, अब देखिए a का जो मान है वो कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, उसके बाद में प्लस का चिन्ह, ब्रैकेट n का मान हमें ज्ञात करना है तो n-1, उसके बाद में गुणा d का मान कितना है हमारे पास, 8, और इसे ब्रैकेट में बंद करना है बराबर। अब ये जो SN है ये हम इधर साइड में भी रख सकते हैं, तो SN का मान आपके पास कितना है, 636 है, कितना है, 636। और अब देखिए n बटे 2, ये आपको वैसा का वैसा लिखना है। उसके बाद में देखिए 2 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा, उसके बाद में प्लस, अब देखिए n-1 और इसके गुणा में नंबर क्या है, 8 है, तो 8 को आप n से भी गुणा करें और 8 को आप -1 से भी गुणा करें, तो सबसे पहले 8 को n से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8n आएगा, उसके बाद में 8 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा, और इसे हमें कोष्टक में बंद करना है, बराबर में कितना है आपके पास, 636। ओके, अब देखिए अगर ये 2 इन सभी नंबर से कटता है तो इसे हमें काटना है वरना नहीं काटना है। ओके, तो ये 2 इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, तो हम तीनों नंबर से इसे काट सकते हैं। तो 2 को 18 से काटेंगे कितना आएगा, 9, 2 को 8 से काटेंगे कितना आएगा, 4, 2 को इस 8 से काटेंगे कितना आएगा, 4। अब देखिए n और यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास नंबर आ चुका है 9 प्लस, उसके बाद में 4n, उसके बाद में माइनस का 4, और ब्रैकेट बंद है, और बराबर में कितना है, 636। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करना है यानी जो n है ये सभी के गुणा में, तो सभी नंबर को हमें n से गुणा करना है, तो n को 9 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 9n आएगा, n को 4n से गुणा करेंगे क्या आएगा, 4n² आएगा, और n को -4 से गुणा करेंगे, माइनस का 4n आएगा, और बराबर में क्या है, 636। अब देखिए यहाँ पर जो जो स्क्वायर में उसे हमें पहले लेना है, यानी जो द्विघात बहुपद है वो हमें बनाना है, तो पहला स्क्वायर में उसको हमने पहले ले लिया, उसके बाद में यहाँ जो n स्क्वायर है पहले ले लिया, उसके बाद में n वाला जो नंबर है ये भी n में है और ये भी n में है,
ये प्लस का है, ये माइनस का, तो इसको सरल करेंगे यानी 9n में से 4n माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 5n बचेगा, क्या बचेगा 5n। ओके, उसके बाद में बराबर में कितना दे रखा है 636, ये हमारे पास द्विघात बहुपद बन चुका है। अब देखिए 4n स्क्वायर माइनस 5n उसके बाद में माइनस का 636। अब इस पर आप श्रीधर आचार्य सूत्र लगा सकते हैं। श्रीधर आचार्य सूत्र में ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है और ये हमारे पास c है, यानी a का मान कितना है 4, b का मान कितना है माइनस 5, c का मान कितना है माइनस का 636। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ a का मान प्लस का 4 है और b का मान है हमारे पास माइनस 5 और c का मान है हमारे पास माइनस का 636। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो माइनस का b उसके बाद में प्लस माइनस रूट और इसमें आपको लिखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसके बट्टे में लिखना आपको 2a। यह आपके श्रीधर आचार्य यानी द्विघाती सूत्र होता है। तो सबसे पहले माइनस, अब देखिए b का मान कितना है, माइनस का 5 है तो इसे हमें कोष्टक में रखेंगे क्योंकि माइनस माइनस पहले से सूत्र में, उसके बाद में b का मान भी माइनस में आ रहा है तो माइनस माइनस डबल है तो इसको हमें ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद में प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ b का मान कितना है माइनस 5 और इसका हमें क्या करना है स्क्वायर, उसके बाद में माइनस 4 इंटू a का मान कितना है, a का मान 4 है, उसके बाद में गुणा c का मान कितना है माइनस का 636, माइनस का 636 और इसके बट्टे में एक नंबर है 2 इंटू a, a का मान कितना है 4 है, कितना है 4। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस ये माइनस यानी कट जाएंगे तो हमारे पास 5 प्लस का बचेगा, उसके बाद में प्लस माइनस, अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, माइनस है तो प्लस में आएगा, यानी माइनस किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर माइनस में है तो वो प्लस में आ जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, यानी यहाँ पर जो नंबर आएगा वो प्लस में आएगा, अब 4 को 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा 16, अब 16 को कितने से मल्टीप्लाई करना है 636 से। अब देखिए यहाँ पर 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 को 636 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 10176, कितना आएगा 10176। अब इसके बट्टे में क्या नंबर दे रखा है, 2 को 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा 8, अब 5 प्लस माइनस और यहाँ 25 में कितना जोड़ेंगे 10176, तो यहाँ पर आएगा 10201, 10201 और इसके बट्टे में क्या नंबर दे रखा है 8। अब देखिए 5 प्लस माइनस, अब 10201 इसका क्या लेना है, रूट लेना है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल आपके कितना आएगा 101 आएगा, कितना आएगा 101 और इसके बट्टे में क्या है 8। अब यहाँ पर जो प्लस माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पर जो प्लस माइनस लिखा हुआ है हमें क्या करना है, एक बार प्लस लेना है और एक बार क्या लेना है माइनस, तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे और इनका मान आ जाएगा। अब देखिए एक बार प्लस लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 प्लस 101 बट्टे 2 बट्टे 8, तो यहाँ हो गए आपके 106 बट्टे 8, इसको काटेंगे 2 से तो यहाँ 53 और इसको 2 से काटेंगे 4, यानी 4 का भाग 53 में देंगे तो इसका मान है वो क्या आएगा ऋणात्मक आएगा, यानी माइनस का आएगा और ऋणात्मक में आपके n का जो मान है वो नहीं होता है। ओके, तो ऋणात्मक मान को हम छोड़ देंगे। उसके बाद में देखिए माइनस की स्थिति लेंगे तो 5 माइनस 101 और इसके बट्टे में क्या नंबर दे रखा है 8 दे रखा है। देखिए 4 का भाग 53 में, यानी ये बट्टे में आ रहा है, यहाँ पर ऋणात्मक मान नहीं आएगा इसका, यानी माइनस भी तो आएगा ही नहीं, यहाँ पर 4 का भाग 53 में देंगे तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट वाला जो मान है वो n का मान हम नहीं रख सकते हैं। ओके, तो सेकंड है आपके माइनस की स्थिति, तो 5 माइनस 101 बट्टे 8, अब देखिए 101 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके 96 बचेगा, 96 और किसका बचेगा माइनस का और इसके बट्टे में क्या है 8, 8 का भाग 96 में कितनी बार जाएगा 12 बार, यहाँ पर मान है वो आपकी माइनस में आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है लेकिन इसको प्लस बना लेंगे हम। ओके, यानी एन का मान आपके कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, एन का मान कितना आ जाएगा 12 और यही आपका राइट आंसर आएगा। सर नंबर सेकंड आपको दे रखा है समांतर श्रेणी 63 60 57, यानी एक पद तो आपको दे रखा है 63 और दूसरा आपको दे रखा है 60 और तीसरा आपको दे रखा है 57, उसके बाद में दे रखा है डेस डेस डेस। अब देखिए समांतर श्रेणी के हम कितने पद लिए ताकि उनका जो योगफल है वो सम है कितना आए 693 आए,
यानी यहाँ पर जो योगफल है, योगफल यानी एस एन का जो मान है वो कितना दे रखा है, 693 दे रखा है। कितना दे रखा है, 693। यह आपके प्रथम पद है और इनके बीच का जो अंतर आएगा वो आपके कॉमन डिफरेंस यानी डी का मान आएगा। तो सबसे पहले आपके ए का मान, तो इस समांतर श्रेणी में ए का मान यानी प्रथम पद कितना है, 63 है। उसके बाद में डी यानी सार्वअंतर, तो सार्वअंतर कितना है आपके, 60 में से 63 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 3। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो सबसे पहले हमें फार्मूला लगाना है, एन बटे दो, उसके बाद में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में क्या लिखना है आपको, एस एन। अब देखिए एन का मान कितना है ज्ञात करना है और इसके बट्टे में है 2, उसके बाद में 2 गुणा ए का मान कितना है, 63। ए का मान कितना है, 63, प्लस एन का मान ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू में क्या है, डी। डी का मान कितना है, माइनस 3, और बराबर में क्या है, एस एन। अब देखिए एस एन कितना है, 693। अब देखिए एन बट्टा दो, एन बट्टा दो, अब 63 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके, 126 आएगा। क्या आएगा, 126। अब माइनस 3 को एन से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 एन, और माइनस 3 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस का 3 आएगा। उसके बाद में ब्रैकेट बराबर में है आपके 693। ओके, अब इसे सोल्व करेंगे, 2 126 से कटता है लेकिन ये 3 नहीं कटता है, तो इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो एन को 126 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 126 एन आएगा, और एन को माइनस 3 एन से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 एन स्क्वायर आएगा। एन को प्लस 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 एन आएगा, और बटे में क्या आएगा, 2 आएगा, और बराबर में क्या है, 693। इसके बट्टे में आपको 1 लेना है, क्या करना है, वज्र गुणा। अब देखिए 1 को 126 एन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 126 एन आएगा। 1 को माइनस 3 एन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 एन स्क्वायर। 1 को प्लस 3 एन से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 एन। अब 2 को किससे गुणा करेंगे, 693 से, तो यहाँ कितना आएगा, 3 दूनी 6, और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 18, और 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, और 1 कितना हो गया आपके, 13, यानी 1386। 2 को 693 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 1386। अब देखिए सबसे पहले आपको माइनस जो एन स्क्वायर है वो लेना है, तो माइनस का 3 एन स्क्वायर, उसके बाद में ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, यानी 126 एन में 3 एन जोड़ेंगे क्या आएगा आपके, आएगा प्लस का 129 एन, और बराबर में क्या है आपके, 1386। क्या है, 1386, ये आपको करना है माइनस का, यानी इसमें रखेंगे इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए पहले हमें करना है ये माइनस हटाना है, तो इसको माइनस से गुणा करेंगे यानी माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये आपके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 एन स्क्वायर, ये आपके हो जाएगा माइनस का 129 एन, और ये आपके हो जाएगा प्लस का 1386। ओके, अब देखिए ये 3 से कटता है, सभी नंबर 3 से कटते हैं, तो 3 1 3 यानी एन स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, और 3 का भाग 129 एन में कितनी बार जाएगा, तो ये आपके जाएगा 43 एन बार, और प्लस 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, और यहाँ हो गया आपके 462, कितनी बार जाएगा, 462 बार जाएगा। ये आपके एक द्विघात समीकरण बन चुका है, यानी द्विघात बहुपद बन चुका है। तो इसे हमें जो श्रीधर आचार्य जो सूत्र है उसमें हमें इसकी वैल्यू रखनी है। तो ए का मान कितना है आपके, 1 है, बी का मान कितना है माइनस का 43, और सी का मान कितना है 462। श्रीधर आचार्य जो सूत्र है, माइनस बी प्लस माइनस रूट, उसके बाद में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बटे में क्या है, 2a। तो सबसे पहले माइनस बी का मान कितना है, माइनस का 43 है, तो ये आपके प्लस का 43 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस माइनस बी का मान आपके माइनस 43 है, और इसका हमें होल स्क्वायर करना है। उसके बाद में माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है, 1, और गुणा सी का मान कितना है आपके 462, और बटे में क्या है आपके, 2 गुणा ए, ए का मान कितना है, 1। अब देखिए 43 प्लस माइनस, और रूट लगा हुआ है, 43 का स्क्वायर क्या आएगा,
43 का स्क्वायर आएगा आपके 1849। उसके बाद में माइनस 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 4 को 462 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1848, और इसके बट्टे में क्या है, 2 है। अब देखिए 43 प्लस माइनस इसका वर्गमूल यानी 1849 में से 1848 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, बट्टे में क्या है, 2। अब देखिए 43 प्लस माइनस यहाँ 1 का वर्गमूल 1 होता है और इसके बट्टे में क्या है, 2। अब यहाँ पर एक बार प्लस की स्थिति लेनी है और एक बार माइनस की स्थिति हमें लेनी है, तो सबसे पहले हम प्लस की स्थिति लेंगे उसके बाद में माइनस की स्थिति लेंगे। अगर साधारण वैल्यू आ रही है तो दोनों इसके मान हो जाएंगे, तो सबसे पहले 43 यहाँ प्लस लेना है 1 और बट्टे में 2। दूसरी स्थिति माइनस की है तो 43 माइनस 1 बट्टे 2। अब देखिए 43 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 44, और इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 22। यानी एक मान तो इसका क्या आएगा, एन का 22, और दूसरा 43 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 42, और 42 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा, 21। यानी दूसरा मान भी आपकी सिंपल जो वैल्यू है वो है। तो सबसे पहले एन का मान, तो एन का मान एक तो कितना आएगा, 22 आएगा, और एक एन का मान कितना आएगा, 21। यानी दोनों ही एन के मान आएंगे 21 और 22। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।